आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इनसाइड स्टोरी की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड और किंग्स इलेवन पंजाब के को ओनर नेस वाडिया पर सरेआम मारपीट, छेड़छाड़ और बदसलूकी का केस दर्ज कराया है। नेस वाडिया ने आरोपों से इनकार भी किया है, लेकिन प्रीति का दावा है कि वो सच बोल रही है और उम्मीद जताई है कि गवाह भी सच ही बोलेंगे। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया, ये वो जोड़ी है जिसके चर्चे बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट के स्टेडियम तक आम थे, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड नेस वाडिया पर छेड़खानी और बदसलूकी का केस दर्ज कराकर प्रीति जिंटा ने हर किसी को हैरान कर दिया। प्रीति जिंटा ने मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में नेस वाडिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। ये FIR 13 जून 2014 की रात 12:10 पर दर्ज कराई गई थी, जिसमें नेस वाडिया के खिलाफ IPC की कई संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मिस प्रीति जिंटा, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन के ऊपर पुलिस ने धारा 356, 504, 506, 509 के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर किया है। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, ये उस FIR की कॉपी है। 509 के तहत एक ऑफेंस रजिस्टर किया है, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, ये उस FIR की कॉपी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि नेस वाडिया के खिलाफ IPC की धारा 354, 509, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। धारा 354 यानी महिला के इज्जत पर हमला करने के मकसद से जबरदस्ती खींचना, धारा 504 यानी इरादतन अपमान करना, धारा 506 यानी आपराधिक धमकी और धारा 509 यानी अपमान के मकसद से गाली गलौज करना। नॉन बेलेबल है, इसलिए पुलिस को पावर भी है, वो अरेस्ट भी कर सकती है क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर एविडेंस होने के बाद अगर ये प्रूफ हो जाता है, सेक्शन जैसे 354 प्रूफ होता है, तो उसमें सीरियसनेस ये है कि कम से कम एक साल की सजा तो कोर्ट को देनी ही पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक सजा हो सकती है। प्रीति की माने तो ये घटना 30 मई मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुई थी, जहां प्रीति और नेस वाडिया की टीम किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच सेमीफाइनल्स का मैच चल रहा था। प्रीति का आरोप है कि मैच के दौरान रात 9 बजे नेस वाडिया ने उन्हें गालियां देनी और धमकाना शुरू कर दिया। समझाने पर भी जब नेस नहीं माने तो वो मैच अधूरा छोड़कर जाने लगी, जिस पर नेस वाडिया ने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद अब प्रीति का कहना है कि ये मेरे लिए बेहद मुश्किल वक्त है और मैं मीडिया से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज इस मामले में मेरी प्राइवेसी का सम्मान करें। मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं बल्कि खुद की रक्षा करना है। वहीं इंडिया न्यूज को भेजे SMS में नेस वाडिया ने प्रीति के FIR पर हैरानी जताई और सभी आरोपों को बेबुनियाद बता दिया। नेस वाडिया ने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि प्रीति जिंटा मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए इस स्तर तक चली गई हैं। मेरी नई गर्लफ्रेंड को लेकर प्रीति गुस्से में हैं, इसलिए वो मुझ पर ये आरोप लगा रही हैं। प्रीति दिन भर अपने बॉडीगार्ड से घिरी रहती हैं। ऐसे में मैं उनके साथ गाली गलौज और खींचतान भला कैसे कर सकता हूँ। आपको बता दें कि नेस वाडिया मशहूर उद्योगपति हैं। प्रीति जिंटा और नेस वाडिया IPL टीम किंग्स इलेवन पंजाब के साझा मालिक हैं, लेकिन खबरों के मुताबिक पिछले कुछ समय से दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। अब सवाल ये है कि प्रीति ने जो आरोप लगाया है उसका सच क्या है। फिलहाल पुलिस ने साफ किया है कि 30 मई को स्टेडियम में मौजूद चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जाएंगे। 24 घंटे में देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि नाम बड़े हैं, आरोप काफी गंभीर लगे हुए हैं। इस वजह से पुलिस बड़ी ही सोच समझ कर कार्रवाई कर रही है। जब प्रीति जिंटा ने शिकायत पत्र दिया अपना, उसके बाद भी काफी समय लिया पुलिस ने FIR दर्ज करने में। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ राजेश कुमार।